सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जिनमें विद्युत शवदाह में अंतिम संस्कार होते हुए देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मानव अंग तस्करी का हिस्सा है। IBN 24x7 न्यूज ने ये रिपोर्ट किया कि मुंबई के गोरई इलाके में COVID-19 से मरने वाले एक शख्स के घर वालों ने पाया कि उसके कुछ ऑर्गन्स गायब थे। ऐसे भी कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिनमें लोग सरकारी कर्मचारियों से बहस कर रहे हैं। इन वीडियोस के साथ भी ये दावा किया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती हुए कोरोना के मरीजों की मौत के बाद उनके ऑर्गन्स का गैर कानूनी व्यापार किया जा रहा है। और इसी से नाराज लोगों ने मुंबई के मनोरी इलाके में विरोध किया। इस मामले की सच्चाई क्या है, हम आपको बताएंगे। इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे तस्वीरों की। ये तस्वीरें वर्षा वर्मा ने 18 जुलाई को पोस्ट की थी। वर्षा लखनऊ में एक दिव्य कोशिश नाम की एनजीओ के साथ काम करती हैं। ये एनजीओ लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करवाती है। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये डेड बॉडी एक 43 वर्षीय महिला की थी जिनकी पहचान नहीं की जा सकी। वर्षा वर्मा ने लखनऊ में दिल्ली क्राइम प्रेस के रिपोर्टर ओम शुक्ला और कई और लोगों के खिलाफ झूठी जानकारी फैलाने की शिकायत दर्ज करवाई। अब बात होगी वीडियोस की। ये वीडियोस असल में मुंबई के मनोरी के ही हैं, लेकिन इन्हें गलत संदर्भ से शेयर किया जा रहा है। गोरई पुलिस स्टेशन से सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजीव नारकर ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि ये घटना 13 जुलाई की है और सोशल मीडिया पर चल रहे दावे पूरी तरह से गलत हैं। नारकर ने हमें बताया कि BMC स्टाफ जब एक व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर ले जाने के लिए पहुंचे तो वहां बहस शुरू हो गई। एक YouTube चैनल ने वहां रहने वाले एक व्यक्ति से बात की तो मालूम चला कि वहां के लोग क्वारंटीन सेंटर की लचर व्यवस्था से परेशान थे और इसीलिए उन्होंने वहां जाने का विरोध किया। यहां पे महानगर पालिका ने जो चारकोप में कोविड सेंटर बनाया कि मलाड़ में बनाया, वहां पे टाइम पे क्लीनिंग नहीं होता है, वहां पे तीन तीन दिन कचरा वैसे ही पड़ा रहता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना से मरने वाले मरीजों के अंग तस्करी के फर्जी दावों को हवा देने के लिए इन तस्वीरों और वीडियोस का सहारा लिया गया।